कोरोना का वीकली पॉजिटिविटी रेट बढ़ा 50%। मामले अकेले केरल से आए। केरल में कोरोना की तीसरी लहर की आहट, लगातार दूसरे दिन 22,000 से ज्यादा मामले किए गए दर्ज। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा संसद का समय बर्बाद मत करो, महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा करने दो। पीएम मोदी आज शिक्षण समुदाय को करेंगे संबोधित, नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर अहम चर्चा। अलास्का में महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 8.2 तीव्रता की भीषण भूकंप। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आगरा में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चुका है, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएमओ आगरा ने आगरा के रेलवे स्टेशनों पर बाहर से शहर में आने वाले यात्रियों की जांच को लेकर जायजा लिया। बता दें कि आगरा सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव आधी रात को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे और आरटीपीसीआर टेस्ट काउंटर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ आगरा ने स्वास्थ्य कर्मियों को कड़े निर्देश दिए, वहीं लापरवाही बरतने पर बर्खास्त करने की भी चेतावनी जारी की। एक्चुअली अभी तक हम लोग बेसिकली यहाँ पे कुछ टीमें हम बाहर से आने वालों की आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे थे और ये मॉनिटर कर रहे थे कोई ऐसा बाहर एक राज्य का कोई यहाँ पे ऐसा ना आए जो इन्फेक्टेड हो और संक्रमित हो और शहर में चला जाए। लेकिन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए खास तौर से महाराष्ट्र और केरल की ट्रेनें जो यहाँ से गुजरती हैं और वो रात में अक्सर आती हैं, क्योंकि सारी ट्रेनें रात को 12 बजे से लेकर सवेरे 10 बजे के बीच में डाउन ट्रेनें आती हैं, तो हम लोग उसमें सघन तैयारी के साथ आना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसके संक्रमण की संभावना हो वो हम लोग के टेस्टिंग से या वो अपना अगर टेस्ट करा के लाता है तो। राजधानी लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास और बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन किया था। इसी कड़ी में अभ्यर्थियों ने एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है और भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग की अनदेखी के कारण नियुक्ति नहीं हो रही है। बता दें कि भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने इको गार्डन भेज दिया है। तो लखनऊ से आपको इस वक्त हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर शिक्षक भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं इस वक्त वो प्रदर्शन करने पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों का एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि वो भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंच रहे थे, वहीं पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को रोककर इको गार्डन इस वक्त भेज दिया है, जहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, जहां पर वह सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री आवास और बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर भी धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा चुका है, जिसके बाद कोई भी राहत ना मिलती देख अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है और ये प्रदर्शन इस बार भाजपा कार्यालय पर किया जाना था, वहीं कार्यालय पहुंचने से पहले ही सभी अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है और पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेज दिया है। कानपुर देहात में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एआरटीओ प्रवर्तन सोमलता यादव ने बताया कि पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा अवैध तरीके से चलाए जा रहे वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि एनएचआई द्वारा टोल प्लाजा से निकलने वाले वाहनों को रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाने चाहिए। वहीं डीएम ने परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क में उल्टी साइड से चलने वाले वाहनों का चालान अभियान चलाकर काटा जाए और इस कार्यवाही में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते यहां मैदानी इलाकों की नदियां इस वक्त उफान पर पहुंच चुकी हैं।
वहीं हथनी कुंड बैराज का जलस्तर भी 1 लाख क्यूसेक के पार पहुंच गया है। यमुना नदी में भी भारी मात्रा में इस वक्त पानी छोड़ा जा रहा है। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के चलते हरियाणा यूपी की सीमा पर स्थित हथनी कुंड बैराज का जलस्तर बढ़ चुका है। हथनी कुंड बैराज का जलस्तर इस वक्त 1,60,000 दर्ज किया गया है, जिसके चलते बैराज से यमुना नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। बता दें कि कल 1 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया, वहीं 24 घंटे के भीतर एक बार फिर से 94,000 क्यूसेक पानी नदी में ड्रॉप किया गया है। औरैया के आनेपुर गांव में स्थित वृद्धाश्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दौरा किया, साथ ही वृद्धाश्रम में मौजूद बुजुर्गों को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल ने बुजुर्गों को उपहार देने से पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बुजुर्ग भी राज्यपाल के स्वागत में भाव विभोर दिखाई दिए। राज्यपाल ने बुजुर्गों को कोरोना वायरस से निपटने के बारे में जानकारी देते हुए संबोधित किया कि बचाव करके ही कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सकता है, इसलिए कोविड-19 के नियमों व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए। वृद्ध लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने का कार्यक्रम था और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया उनको। इसके बाद गैल में कार्यक्रम है, वहाँ पर कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, उनका निरीक्षण करेंगे। NRLM समूह की महिलाओं का भी उनसे संवाद करेंगी और टीबी से संक्रमित जिन लोगों ने गोद लिया है और उनको भी उनसे संवाद करेंगे। लखीमपुर खीरी में महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है और आरोप है कि एक सपा नेता के भाई ने महिला के साथ उत्पीड़न किया है। महिला का कहना है कि आरोपी ने उसे धमकी दी और उसके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की उसे धमकी दी। आरोपी के खिलाफ शिकायत करने के लिए पीड़िता थाने पहुंची। मामले में SP ने संज्ञान में आने के बाद से पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी में बिना रजिस्ट्रेशन के एक अस्पताल चल रहा था और इस अस्पताल में इलाज के दौरान एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से अक्सर आए दिन इसी प्रकार की घटना घटती रहती है। जच्चा बच्चा की मौत पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत करवाते हुए पुलिस ने इलाके में फोर्स को भी तैनात करते हुए पूरे मामले की कार्यवाही शुरू कर दी है। ताजनगरी आगरा में बारिश के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी भर चुका है। जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से ये भारी समस्या खड़ी हो गई है। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जल भराव की स्थिति से पहुंचने वाले मरीजों और तीमानदारों सहित स्वास्थ्य कर्मी परेशान हो रहे हैं। परिसर का भरा पानी स्वास्थ्य कर्मियों के आवास तक पहुंच चुका है और समस्या से स्वास्थ्य अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई भी निवारण नहीं मिला है। रायबरेली में पुलिस ने कच्ची अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा मुंशीगंज के निकट रेलवे क्रॉसिंग के पास अवैध तरह से एक घर में शराब बनाते हुए एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिसकर्मियों ने मौके से 20 लीटर शराब, वहीं 80 कुंतल लहन, 4 पतीला व अन्य शराब बनाने की सामग्रियों को बरामद किया है। वहीं चौकी इंचार्ज मुंशीगंज अनीता कुशवाहा ने अवैध भट्टी सहित लहन को भी नष्ट करवाया। वहीं इस पूरे मामले में अवैध कच्ची शराब बनाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों की जागरूकता के लिए रायबरेली में रैली निकाली गई। रैली में मशाल लेकर पहुंची टीम का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि खेल निदेशालय और जेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये जागरूकता रैली निकाली गई। 23 जुलाई को बरेली में चली ये रैली 55 जिलों से होकर 4 अगस्त को राजधानी लखनऊ में पहुंचकर संपन्न होगी।
वहीं प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील सभागार में बाल सेवा योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के जनपदीय सचिव नीरज त्रिपाठी ने योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल संरक्षण के लिए विधेयक और शासकीय सहायिकाओं से जुड़ी योजनाओं की सफलता जन जागरूकता के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि योजना में पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए और कोविड-19 के तहत बालकों के परवरिश को लेकर शासकीय लाभप्रद योजना की सार्थकता पर भी ध्यान देना चाहिए। तहसील इकाई अध्यक्ष ललिता यादव ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों तक योजना को पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। यहां पर हम सरकार की योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के प्रचार प्रसार के लिए यहां पे आए हैं। इसमें ऐसे अनाथ बच्चे जो जिनके माता पिता या दोनों की मृत्यु कोविड काल में हो गई हो, उन्हें 4,000 रुपए की आर्थिक। हमीरपुर के पीएचसी सुमेरपुर के सामने एम्बुलेंस चालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एम्बुलेंस चालकों ने चक्का जाम किया। वहीं प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही प्रशासकीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने एम्बुलेंस चालकों से चाबियां छीन ली। जिला प्रशासन का आरोप है कि जिले के तीमानदारों की सेहत से एम्बुलेंस चालक खिलवाड़ कर रहे हैं। एम्बुलेंस के ना मिलने के चलते पीड़ित लोगों को परेशानियां हो रही है। बता दें कि कोरोना काल में शहीद हुए एम्बुलेंस कर्मियों को 50 लाख की बीमा राशि की मांग की जा रही है। फिलहाल मामले में जिला प्रशासन कोई भी सुध नहीं ले रहा है। सर, मांगे हमारी जो है, हम प्रदर्शन 23 तारीख से कर रहे थे, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से। 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्वक तरीके से किया गया। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों सौंच के लिए किशोरी के साथ एक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आपको बता दें कि इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 4 नामजद लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। अब पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चारों आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी। क्षेत्र में एक प्रार्थिया है और एक ताया की उनकी बेटी शाम को शौच के लिए गई हुई थी, तो 4 गांव के ही 4 युवकों द्वारा उसका बलात्कार किया गया है। कुछ धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया गया है। और यूपी के गांव की बदहाल सड़कें और कूड़े के ढेर गंदगी से इस वक्त लोगों का जीना दूभर कर रहे हैं, तो वहीं सड़कें इस वक्त तालाब में तब्दील हो चुकी है। ऐसा ही हाल कुछ हमीरपुर के गांव में देखने को मिल रहा है, जहां लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन मुश्किलों का सामना कर रहे ग्रामीणों की आंखों से छलक रहे आंसू गाँव के विकास को साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। गाँव की इस बदहाल स्थिति का से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन और प्रशासन ने किस तरह का विकास कार्य इस क्षेत्र में किया है। नदेहरा गांव में गंदगी का ढेर और बदहाल सड़कें प्रशासन के विकास के कामों को साफ तौर पर बयां कर रही है। बाल्टी लिए लिए गिर जाती है, हमको बड़ी मुसीबत है, हम क्या करें? कोई निकलने नहीं, कोई अपने चौतरा से नहीं जाने देता, तो हम गिर जाते हैं। गोबर नहीं डाल पाते, पानी नहीं भर पाते। आप हमसे 10 साल से हम ऐसे परेशानी में है, रोज लड़ाई भी होती है, किसी के चौथर में चढ़ जाते हैं, वो भी मार के ढकेलते हैं नीचे। तो आपने कभी शिकायत नहीं करी इसकी? खूब की है शिकायत, कोई प्रधान नहीं सुनता हमारा। फतेहपुर के मंजरे छिवली गांव में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार बारिश होने से कच्चे मकान की छत गिर गई। छत गिरने से एक महिला और उसका बच्चा उस मलबे में दब गया। वहीं आपको बता दें कि दोनों महिला और बच्चे बाल बाल बच गए, लेकिन महिला के पति की 15 साल पहले ही मौत हो चुकी है। इसी वजह से महिला को आर्थिक तंगी से इस वक्त गुजरना पड़ रहा है। तंग हाल में महिला और उसका बेटा अपना जीवन काफी मुश्किलों के साथ बिताने को मजबूर हो गए हैं। पीड़िता का कहना है कि अपने परेशानियों का हल निकालने के लिए वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास गई, लेकिन कोई भी उसे फायदा नहीं मिला और वो आज तक आर्थिक सहायता के लिए मदद मांग रही है। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश की वजह से दबंगों ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने के बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और यहां से उसे प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी।
बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी मिली कि चारों आरोपियों में से एक आरोपी जेल से छूटकर पैरोल पर बाहर आया हुआ था। इसी तरह के मामले में जेल में वह गया हुआ था। वहीं दूसरा आरोपी भी पिछली बार अवैध शस्त्र के मामले में गिरफ्तार किया गया था और नामजद होकर छूटा था। चारों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने दो कंट्री मेड पिस्तल, 7 तमंचे, 2 कारतूस को भी बरामद किया है। चार साथी अभियुक्तों को खुर्जा देहात पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 2 पिस्टल, 11 तमंचे, 2 अधबने तमंचे और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।